as young IAS. इस वीडियो में एक्चुअली हम देखने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 10 के लिए जो इस वेबसाइट पे, ये SCERT की वेबसाइट है, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पे यहाँ पे maa.ac.in यहाँ पे प्रश्न पेढ़ी अपलोड की गई है. प्रश्न पेढ़ी मतलब क्वेश्चन बैंक. तो क्वेश्चन बैंक अपलोड की गई है फॉर SSC एंड HSC बोर्ड एग्जाम फॉर 2021. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2021 के लिए, 10th के लिए जो क्वेश्चन बैंक है उसमें मराठी मीडियम के लिए पेपर्स अपलोड किए गए हैं. आप देख सकते हैं 8 सब्जेक्ट के पेपर क्वेश्चन बैंक्स अपलोड है और इंग्लिश मीडियम के अब तक 4. और लिखा है कि आगे के क्वेश्चन बैंक्स अपलोड किए जाएंगे. तो हमारे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश और अक्षर भारती मतलब मराठी के क्वेश्चन बैंक्स है इंग्लिश मीडियम के लिए. तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, ये सारी क्वेश्चन बैंक्स जो है, हमें अभी तक इंग्लिश के लिए 4 क्वेश्चन बैंक्स दी गई है. आगे जो क्वेश्चन बैंक्स आएंगी वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगी. तो आप वहां से लिंक से इन वीडियोस को भी डाउनलोड कर सकते हैं. डायरेक्टली इस वेबसाइट पर जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए, ये हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन बैंक दिया है वो हम देखेंगे कि ये किसमें क्या है. तो ये हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बैंक है. तो ये देखिए, इसके अंदर हमने देखा है, यहाँ पे लिखा है क्लियरली कि ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बैंक दी गई है. इसमें से ही सवाल आएगी, इसकी कोई ऐसे कोई गारंटी नहीं दी जा रही है. पर ऑफ कोर्स दिस विल बी बेनिफिशियल, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके लिए बोर्ड का पेपर बहुत ईजी हो जाएगा. और ये भी क्वेश्चन जो है काफी सारे टेक्स्ट बुक से है, नॉन टेक्सचुअल क्वेश्चन भी है, तो उसको आपकी पूरी प्रैक्टिस होती है. तो ऑफकोर्स इतना हो गया तो आप क्लियरली सारे क्वेश्चन बोर्ड के सॉल्व कर पाओगे, इतना श्योर है. तो ऑफकोर्स उनको एक ऐसे डालना ही पड़ता है, क्योंकि अगर बच्चों ने सिर्फ उतना ही करके अगर बोले ये तो बाहर का सवाल आ गया, तो बोर्ड के लिए क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है. बट ऑफकोर्स ये क्वेश्चन बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से सॉल्व करना है. तो ऑफकोर्स ये अपना मेन काम है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक दी गई है, हमें यहाँ पे सोल्यूशन नहीं दिए गए. तो वी आर सॉल्विंग इट. हिस्ट्री का हमने सीरीज स्टार्ट किया, इंग्लिश की भी सीरीज स्टार्ट किया, तो सब सब्जेक्ट्स की हम सीरीज स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे. तो ये देखिए, फर्स्ट चैप्टर जो है हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट, तो चैप्टर वाइज यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए, फिलिंग द ब्लैंक्स, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, है ना, कंप्लीट द कंसेप्ट मैप्स, ये सब कुछ फर्स्ट चैप्टर का है ना. कंप्लीट द टेबल, ये एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक में चैप्टर 1 में कंप्लीट द टेबल नहीं है, पर यहाँ पे दिया है. और ये बहुत सिंपल है, हमने ये पूरा सॉल्व किया है, तो ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है. इवन एक्सट्रैक्ट, जो भी टेक्सचुअल नहीं है, ये भी टेक्सचुअल नहीं है, यहाँ से भी हमें मतलब एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन ये भी सवाल दिया गया है. तो बहुत इजीली आप चैप्टर 1 कवर कर सकते हैं इन क्वेश्चन बैंक से, और आपका पूरा रिविजन करके आप चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं इफ यू आर डन विद दीज क्वेश्चंस. फिर चैप्टर 2 दिया है, ऐसे करके पूरे हर एक चैप्टर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस उन्होंने दिए. तो ये आप ये फाइल जो है आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है. सेकेंड हम देखेंगे ज्योग्राफी का क्वेश्चन बैंक कैसा है. अब ज्योग्राफी के क्वेश्चन बैंक में हमें चैप्टर वाइज नहीं दिया गया, सो इट मे बी गुड और बैड इन वट एवर वे यू सी इट, बिकॉज हमें फिर हर एक क्वेश्चन कहाँ से आया है वो हमें खुद ही अंदाजा लगाना है. बट ये भी काफी सारे क्वेश्चन हमने पूरा सॉल्व किया है, काफी सारे क्वेश्चन ये टेक्स्ट बुक के ही है, और थोड़े जो नहीं है वो भी ईजी है, और आपको टेक्स्ट बुक में ही आंसर्स मिलेंगे, ईजिली आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं. तो ये देखिए, यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन है. तो ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 24. देन आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्रुप, तो अगेन ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है. फिर ये यू नो मैचिंग देम, पेयरिंग देम, कोरिलेशन बना के कंप्लीट द चेन, मतलब इंडिया जैसे है तो इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली एंड देन सी में कैपिटल, तो इंडिया न्यू दिल्ली कैपिटल, जैसे सांबा डांस टाइप ब्राजील, तो ऐसे करके ये मैच करने का है कंप्लीट द चेन के क्वेश्चंस. तो ये भी सारे दिए गए, ये मिक्स्ड है, ये चैप्टर वाइज नहीं है, हिस्ट्री चैप्टर वाइज है, ज्योग्राफी चैप्टर वाइज नहीं है, क्वेश्चन टाइप वाइज है. तो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट द चेन के क्वेश्चंस दिए गए हैं, आइडेंटिफाई द ऑड फैक्टर के लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिर ये आइडेंटिफाई द ऑड फैक्टर करके, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है सारे. आप देख सकते हैं काफी सारे, अगर आपने पढ़ा है तो आपको दिखेगा और रिकलेक्ट होगा कि ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी है और नॉन टेक्सचुअल भी है इसमें. फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन के 16 क्वेश्चंस दिए गए हैं, राइट और रॉन्ग, स्टेट वेदर राइट और रॉन्ग, आंसर इन वन सेंटेंस, शॉर्ट नोट्स की लिस्ट है पूरी, सारे क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, नेम द फॉलोइंग है ये, राइट द फॉलोइंग रीजन्स इन द करेक्ट ग्रुप, है ना, फिर मैप के क्वेश्चंस, है ना, इनको मैप पे दिखाना है. तो ये सारे मैपिंग क्वेश्चंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये आप मैप दिया है, आपको आंसर्स करने, क्वेश्चन को आंसर करना है मैप रीडिंग करके. तो सारा ये सब ग्राफ बनाना, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ,
ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे पूरी लिस्ट दी गई है, मैपिंग क्वेश्चंस है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे गिव ज्योग्राफिकल रीजंस आया, ये भी लिस्ट पूरी दी गई है। 33 गिव ज्योग्राफिकल रीजंस। और फिर प्रिपेयर लाइन ग्राफ का क्वेश्चन, प्रिपेयर अ लाइन ग्राफ और ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस, दोनों टाइप के क्वेश्चंस दिए गए यहाँ पे। प्रिपेयर बार ग्राफ, या तो आपको ये करना है या तो आप ग्राफ देख के आंसर सॉल्व क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिए। तो ऑफ कोर्स ग्राफ प्रिपेयर करने से ये वाले इजी होते हैं, आप डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर करोगे और आपके पूरे मार्क्स हो जाएंगे। तो ये सारी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, आप देख सकते हैं मैप रीडिंग एंड मैपिंग एज वेल एज हियर यू कैन सी प्रिपेयरिंग अ लाइन ग्राफ बार ग्राफ और रीडिंग द लाइन बार ग्राफ। और ये फिर है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये रीडिंग का, रीडिंग ग्राफ के सवाल खत्म हुए। क्वेश्चन 7 यहाँ पे इन ब्रीफ क्वेश्चंस, तो आंसर इन ब्रीफ की पूरी लिस्ट है 32 क्वेश्चंस। तो यहाँ हमारी ज्योग्राफी की क्वेश्चन बैंक कंप्लीट होती है। तो ऐसे करके ज्योग्राफी क्वेश्चन बैंक दिया गया है। फिर इंग्लिश का क्वेश्चन बैंक दिया गया है, वो बेस्ट है क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक में एक्चुअली दो क्वेश्चन पेपर्स ही दिए गए, एक्टिविटी शीट 1 और एक्टिविटी शीट 2, बट इट इज सेक्शन वाइज। तो लैंग्वेज स्टडी सेक्शन का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 10 मार्क लैंग्वेज स्टडी का होता है। तो एक्टिविटी शीट 1 का लैंग्वेज स्टडी पूरे 10 मार्क का दिया है, फिर एक्टिविटी शीट 2 का 10 मार्क का लैंग्वेज स्टडी दिया है ना। ये भी हमने सॉल्व करना शुरू किया, लैंग्वेज स्टडी दोनों एक्टिविटी शीट की हमने सॉल्व करके वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है और ये सारी वीडियोस अपलोड होगी। तो ये देखिए एक्टिविटी शीट 1 का, फिर सेक्शन 2 टेक्सचुअल पैसेजेस के पूरे सवाल दिए गए हैं। तो दिस इज लाइक द क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, एग्जाम एग्जैक्टली लाइक क्वेश्चन पेपर। और फिर एक्टिविटी शीट 2 का भी सेक्शन 2 दिया गया है, फिर एक्टिविटी शीट 1 का सेक्शन 3 पोइट्री दिया गया है। तो जैसे बोर्ड में पेपर आएगा वैसा ही है ये, सेक्शन 3 पोइट्री अगेन ऑफ एक्टिविटी शीट 2, एक्टिविटी शीट 1 एक्टिविटी शीट 2 सेक्शन वाइज दिया है। तो हर एक सेक्शन के दो दो सेट्स है ना ऐसा। फिर सेक्शन 4 नॉन टेक्सचुअल पैसेज एक्टिविटी शीट 1 का है एंड देन ये एक्टिविटी शीट 2 का है। इधर यहाँ पे जो आपका समरी होता है सेम पैसेज का समरी, वो भी यहाँ पे दिया गया है। नॉन टेक्सचुअल पैसेज से हमें समरी लिखना होता है। और फिर सेक्शन 5 जो है लेटर राइटिंग वगैरह, तो उसके भी दो सेट दिए गए। तो सेक्शन 5 राइटिंग्स के ये एक, और इसके बाद ये एक्टिविटी शीट 2 का भी राइटिंग्स के। तो ऐसे करके पूरा क्वेश्चन पेपर दिया गया है। फिर मराठी की क्वेश्चन बैंक देखेंगे, तो मराठी क्वेश्चन बैंक में एक्चुअली आपको दिया गया है चैप्टर वाइज। तो आपका गद्य विभाग मतलब सारे जो गद्य के चैप्टर्स है, तो जैसे शाल चैप्टर है सबसे पहले, पोएम्स अलग से दिए, तो शाल चैप्टर से जो आपका एक्टिविटी आती है पैसेज और क्वेश्चंस, तो ये कृति क्रमांक 1, तो कृति क्रमांक 1 में एक पैसेज दिया उसके क्वेश्चंस, ये 7 मार्क का। फिर कृति क्रमांक 2, तो ये भी 7 मार्क का, जैसे आपके 2 मार्क इधर आते हैं, फिर पैसेज होता है, फिर नीचे क्वेश्चंस आते हैं, तो 2 पैसेज शाल चैप्टर से है। फिर उपास चैप्टर से 4 एक्टिविटीज है, मतलब 4 पैसेज दिए गए, 1, 2, 3 और 4। फिर नेक्स्ट चैप्टर फुटप्रिंट्स, तो आपके जो जो कैंसिल चैप्टर्स है उनका नहीं दिया गया, फुटप्रिंट्स का भी अगेन पैसेज दिया गया, 1 पैसेज 2 पैसेज 3 पैसेज। फिर ऊर्जा शक्ति चा जागर, इसके भी पैसेज दिए गए हैं। तो ऐसे करके ये मराठी की क्वेश्चन बैंक है। तो ऊर्जा शक्ति चा जागर के भी आप देख सकते हैं ये 2 पैसेजेस है। फिर जंगल डायरी के ये देखिए 3 पैसेजेस है। और लास्ट चैप्टर जो आपका है खरा नागरिक, इसके 6 पैसेजेस है, कृति क्रमांक 4, 5 और ये 6। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 1 पैसेज पक्का है। तो ये आपका पूरा मराठी का क्वेश्चन बैंक है इन गद्य विभाग। फिर अपठित गद्य, तो इसके भी मतलब अनसीन पैसेज जो होता है उसके भी कृति क्रमांक 1, 2, 3, 4 दिए गए, तो 4 अनसीन पैसेजेस भी दिए गए। फिर पद्य पोयम में आप संतवाणी अ जो हमारी है ना, हमारा फर्स्ट जो पोयम है प्रार्थना, उसके ऊपर सवाल आने के ज्यादा चांसेस नहीं है तू बुद्धि से, तो वो नहीं आता। तो पद्य हमारा संतवाणी से शुरू होता है, तो संतवाणी अ जो है उसमें देखिए ये सवाल है, है ना? तो अ अंकिला में दास तुझा, उसका इवन हमें जो काव्य सौंदर्य लिखना होता है और जो हमें अप्रिसिएशन लिखना होता है उसकी पॉइंट्स जो होती है उसका भी सवाल है। फिर संतवाणी आ, इसका भी पैसेज और फिर उसका भी क्वेश्चंस उस हिसाब से काव्य सौंदर्य दिया है। फिर 2 दिवस कविता का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं पैसेज। फिर 2 दिवस का अप्रिसिएशन का भी सवाल दिया हुआ है। फिर औक्षण कविता का भी यहाँ पे पैसेज और यहाँ पे औक्षण कविता का भी अप्रिसिएशन के क्वेश्चन दिया है। फिर रंग मजेचे रंग उदियाचे, उसका भी पैसेज एंड देन उसके ऊपर भी आपको यहाँ अप्रिसिएशन का पॉइंट्स दिए।
हिरवंगार झाड़ा सारखा इसका भी पैसेज एंड देन इसका भी अप्रिसिएशन के पॉइंट्स। तो ये आपका पद्य विभाग है। फिर स्वप्न करु साकार इसका भी पैसेज है और यहाँ पे इसका अप्रिसिएशन के पॉइंट्स नहीं है इसमें, तो वो किसी में अप्रिसिएशन दिया किसी में नहीं, तो ये भी आपके लिए एक हिंट है। तो ये आपको करना है। फिर आता है स्थूल वाचन, हमारा रैपिड रीडिंग। तो स्थूल वाचन के चैप्टर्स के क्वेश्चंस होते हैं 3-3 मार्क्स के। तो यहाँ 4 क्वेश्चंस जैसे मोटे हो तसलीलिया मुलानों के दिए है, फिर जाता अस्तला, व्युत्पत्ति कोष, 3 स्थूल वाचन हमारे, तो उसके सवाल दिए है। फिर आता है ग्रामर, तो ग्रामर सेक्शन में भी ये देखिए वाक्य प्रकार के सवाल पूरी लिस्ट है, वाक्य रूपांतर के सवाल, वाक्य प्रचार है ना, तो यहाँ पे वाक्य प्रचार के भी सवाल है ना, जैसे वाक्य प्रचार के अर्थ सांगून वाक्यात उपयोग कर, तो वाक्य प्रचार के भी सवाल यहाँ दिए गए हैं। और फिर ये है शब्द संपत्ति समानार्थी, और समानार्थी की लिस्ट दी गई है, विरुद्धार्थी की लिस्ट दी गई है। फिर यहाँ पे शब्द समूह बदल एक शब्द है ना, वचन, लिंग, लेखन नियम अनुसार अचूक शब्द ओळखा। फिर यहाँ पे और भी है, तो हर एक के लिए प्रैक्टिस दी गई है ना, वाक्य लेखन नियम अनुसार अचूक लिखा मतलब करेक्ट करके लिखिए, करेक्ट द सेंटेंस, विराम चिन्ह के सवाल। तो ये आपका जो है ग्रामर कंप्लीट होता है यहाँ पे। फिर आता है आपका लास्ट पार्ट उपयोजित लेखन राइटिंग स्किल, तो उसके भी सवाल दिए गए हैं, जैसे ये है लेटर राइटिंग के लिए है ना, तो लेटर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए दिए गए, हर एक जो है हमारा राइटिंग स्किल के भी प्रैक्टिस के लिए सारे सवाल दिए गए, देखिए और एक पत्र लेखन है। फिर सारांश लेखन के लिए, जाहिरात लेखन के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं है ना, तो ऐसे करके बातमी लेखन के लिए क्वेश्चंस दिए गए 5, कथा लेखन के भी 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं, और ये और एक सेट है 1, 2, 3, 7 है टोटल, फिर ये और आ गए। तो ऐसे करके हर, और ये ऐसे के लिए टॉपिक्स 11 टॉपिक्स, तो ये पूरा ऐसे करके हर एक टॉपिक के लिए हमें दिया गया। निबंध लेखन अगेन जो हमारा है ना, निबंध लेखन के लिए जैसे पॉइंट्स दी गई होती है, तो वो भी यहाँ पे दी गई है। फिर आत्मकथा के भी टॉपिक्स दिए गए हैं, प्रसंग लेखन उसके भी टॉपिक्स दिए गए हैं 5 टॉपिक्स, तो ये हमारा राइटिंग स्किल कंप्लीट होता है। तो ऐसे करके हमारा मराठी क्वेश्चन बैंक है। अब जैसे मैंने आपको वेबसाइट पर बताया कि इंग्लिश मीडियम के 4 ही सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बैंक अपलोड किए गए, पर मराठी मीडियम के ज्यादा है, तो मराठी मीडियम के क्वेश्चन बैंक से एक्चुअली ट्रांसलेट होते हैं, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी क्वेश्चन बैंक सेम है, सिर्फ मराठी मीडियम है मराठी में और इंग्लिश मीडियम में उसे ट्रांसलेट किया गया है। तो अगर हम मराठी मीडियम की भी क्वेश्चन बैंक देखेंगे तो हमें एक आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन बैंक में क्या आने वाला है। तो हमारी ट्रांसलेटेड क्वेश्चन बैंक जो है इंग्लिश मीडियम की जल्दी अपलोड की जाएगी वेबसाइट पे, गवर्नमेंट अपलोड करेगी और हम भी हमारी डिस्क्रिप्शन में ही आपको प्रोवाइड करेंगे उसकी लिंक। लेकिन तब तक एक आइडिया के लिए हम इसे देख लेंगे। तो ये देखिए, ये मैथ्स 1 की क्वेश्चन बैंक है। तो मैथ्स 1 की क्वेश्चन बैंक कैसी है, ये फर्स्ट चैप्टर जो है ये दोन चलातील रेशीय समीकरण है, मतलब के लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इसके MCQ क्वेश्चन दिए गए, आप देखिए 10 क्वेश्चन, फिर 1 मार्क क्वेश्चन पे यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए गए, फिर 2 मार्क्स क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स दिए गए यहाँ पे 5 है ना, और 10, फिर 3 मार्क के जो सवाल है सारे एक्टिविटी जितने भी हो सकते हैं 4 मार्क, और लास्ट का जो क्वेश्चन 3 मार्क का होता है, तो सब पूरा ये 5 5 क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का होता है उसमें ये चैप्टर से क्या क्या आ सकता है, तो 4 सवाल यहाँ वो दिए गए। तो ये है मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर। देन यू हैव सेकेंड चैप्टर वर्ग समीकरण मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी आप देख सकते हैं यहाँ पे सवाल दिए गए हैं है ना, तो हर एक क्वेश्चन 1 में क्वेश्चन 2 A, क्वेश्चन 2 B, क्वेश्चन 3 जो आपकी एक्टिविटी होती है फिल इन द ब्लॉक्स होते हैं, बॉक्सेस को कंप्लीट करना होता है, तो ये सारे जो ये चैप्टर से कौन कौन से सवाल आ सकते हैं 3A 3B क्वेश्चन 4 में, और क्वेश्चन 5 जो 3 मार्क्स का होता है उसमें, तो उसका सब ये लिस्ट दिया गया। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है अंकगणित श्रेणी मतलब के एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के भी 1 मार्क के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं ना ABCD में सिलेक्ट करना, तो वो 10 दिए गए यहाँ पे। फिर 1 मार्क आंसर्स जो होते हैं वो 10 दिए गए, फिर 2 मार्क आंसर्स के जो एक्टिविटी होती है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्या आ सकते हैं वो दिया है। तो ऐसे करके पूरा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी क्वेश्चन बैंक दिया है। फिर उसके बाद लास्ट चैप्टर जो हमारा है वो है प्रोबेबिलिटी। तो मैथ्स 1 में सिर्फ 4 ही चैप्टर्स है, बाकी चैप्टर्स तो ओमिट कर दिए गए हैं, तो उनकी ये क्वेश्चन बैंक दी गई है। तो इवन प्रोबेबिलिटी की ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, 1 मार्क क्वेश्चंस, 2 मार्क क्वेश्चंस, या ये बॉक्सेस हमें भरने हैं, फिर ये
जहाँ पे अगेन एक्टिविटी होती है, 3 मार्क की एक्टिविटी होती है, 2A में 2 मार्क की एक्टिविटी होती है, 3B 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन 4 ये 4 मार्क के क्वेश्चन, और क्वेश्चन 5 में 3 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो ये पूरा प्रोबेबिलिटी का दिया है। यहाँ पे हमारी ये भी क्वेश्चन बैंक मैथ्स 1 की कम्प्लीट होती है। तो अभी हमें ये मराठी में ये सेम सवाल इंग्लिश में जल्दी अपलोड होगी और हम इसे सॉल्व करना भी शुरू करेंगे। फिर मैथ्स 2 की भी क्वेश्चन बैंक ऐसी ही है, चैप्टर वाइज है। तो ये देखिए आपका पहला चैप्टर सिमिलैरिटी, तो उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है ना 10। फिर क्वेश्चन 2A के 2 मार्क के भी ये सवाल, 2B के सवाल, 3A 3B के सवाल 3 मार्क के जो होते हैं, फिर क्वेश्चन 4 4 मार्क के सवाल आते हैं, और क्वेश्चन 5। तो ये सारी यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर दिया है। सेकेंड चैप्टर फिर पाइथागोरस थ्योरम, उसका भी वैसे ही पूरी लिस्ट दी गई है पाइथागोरस थ्योरम की भी, हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन में इससे क्या क्या सवाल आ सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, वो दिया है। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है, ये देखिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम खत्म होता है, यहाँ पे शुरू होता है वर्तुल मतलब के सर्कल। तो ये सर्कल के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, हर 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन सारी पूरी लिस्ट दी गई है ना। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है सर्कल। उसके बाद जो हमारा फोर्थ चैप्टर आता है वो है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। तो ये देखिए हमारा सर्कल यहाँ कंप्लीट होता है और ये आता है नेक्स्ट चैप्टर ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। तो ये कंस्ट्रक्शन के सवाल भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और उसमें भी ऑब्जेक्टिव है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, फिर 1 मार्क के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, तो सारी ये लिस्ट दी गई है यहाँ पे भी। 3A में 3B में क्या सवाल आ सकते हैं, क्वेश्चन 4 4 मार्क के लिए कंस्ट्रक्शन कौन से आ सकते हैं, तो ये 12 सवाल दिए हैं। फिर 5वां क्वेश्चन जो 3 मार्क का होता है उसमें कौन से सवाल आ सकते हैं, तो ये पूरी लिस्ट है ऑफ 18 क्वेश्चन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है फिफ्थ चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की लिस्ट, 1A 1B हर एक टाइप के क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए भी ये दिए गए हैं। तो ये पूरा हमारा यहाँ पूरा होता है। और लास्ट चैप्टर फिर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बाद आगे चैप्टर्स नहीं है हमारे। ट्रिग्नोमेट्री में भी जो हमारे जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। तो जो रिड्यूस सिलेबस है पूरा वो है, तो रिड्यूस सिलेबस से ही सवाल है। तो यहाँ हमारा ये जो है 5वां सवाल जो है क्या आ सकता है ट्रिग्नोमेट्री से, वो रिलीज दी गई है 8 क्वेश्चन की। और ये हमारा क्वेश्चन बैंक फॉर मैथ्स 2 पूरा होता है। तो मैथ्स 1 मैथ्स 2 मराठी में पेपर है, लेकिन इंग्लिश में भी जल्दी अवेलेबल हो गए, तो आप उसको भी सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। साइंस 1 साइंस 2 भी मराठी में अवेलेबल है, तो वो भी हम एक बार एक नजर देख लेते कि क्वेश्चन बैंक है क्या, क्या आने वाला है। तो ये देखिए सर क्या है आपका साइंस 1, ये चैप्टर वाइज नहीं है, ये पूरी लिस्ट है आपकी। तो क्वेश्चन 1A से कैसे सवाल आ सकते, तो पूरी ये लंबी लिस्ट है, ऑल चैप्टर्स जंबल्ड, ये चैप्टर वाइज नहीं है। तो ये देखिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना ABCD, उसमें सिलेक्ट करने के ये आपके पास लिस्ट ऑफ 131 क्वेश्चन है चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक। फिर ये हमारा जो होता है कोरिलेशन लगाने का, तो ये जो है इसके क्वेश्चन भी आपकी लिस्ट दी गई है यहाँ पे, अ लिस्ट ऑफ 44 क्वेश्चन। फिर आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट कटाक नंबर सराना मतलब के विच डू नॉट फिट इन द कैटेगरी, तो ये ऑड वन आउट के भी आपके 37 क्वेश्चन है। फिर एकावाक्यात उत्तरे लिहा मतलब वन सेंटेंस आंसर्स के भी आपके पास ये लिस्ट है पूरी, आप देख सकते हैं 34 क्वेश्चंस है ना। फिर उसके बाद जोड़िया जुड़ा मतलब के मैच के क्वेश्चंस है, तो पूरी लिस्ट है पूरे सब्जेक्ट साइंस 1 के सारे चैप्टर्स में से ये लिस्ट दी गई है, तो आप देख सकते हैं 18 क्वेश्चंस है। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस के सवाल है, नेम देम नावे लिहा नेम द फॉलोइंग के क्वेश्चंस है, आप देख सकते हैं 43 क्वेश्चंस। फिर ये भी सब ये 1 मार्क के क्वेश्चन है आपके, सो पूरी लिस्ट दी गई है। ये चूक की बरोबर मतलब राइट वेदर ट्रू और फॉल्स, तो इसकी लिस्ट दी गई हमारे पास, ये देखिए पूरे सब्जेक्ट से हमको 89 क्वेश्चंस की लिस्ट दी गई है। व्याख्या लिहा मतलब राइट द डेफिनेशन, तो ये डेफिनेशंस के लिए 21 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओरखा पाहू मी कौन मतलब आइडेंटिफाई मी, तो उसके 4 सवाल है। फिर शास्त्रीय कारण लिहा मतलब गिव साइंटिफिक रीजंस, तो उसकी लिस्ट दी गई है सारी 74 गिव साइंटिफिक रीजंस। फिर 2 मार्क के सवाल की लिस्ट है पूरी, ये देखिए। फिर ये फर्क स्पष्ट करा मतलब के डिस्टिंग्विश बिटवीन, 15 डिस्टिंग्विश दिए गए हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन के सवाल 12 है ना। और फिर 2 मार्क के सवाल है। उसके बाद ये देखिए कंसेप्ट चार्ट कंप्लीट करने के सवाल है, और फिर यहाँ पे ये सारे भी सवाल है, टोटल 40 नहीं ये कितने है? ये 3 3 मार्क के सवाल है जिसमें अ आ
ई ऐसे करके, है ना, ये देखिए। तो तीन सवाल होते हैं, तीनों के जवाब देने के, तीन 3 मार्क के क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। तो ये सारे पूरी लिस्ट है, देखिए 3 मार्क के लिए, वन मतलब 1 1 मार्क के 3 सवाल है एक्चुअली। तो ये भी बहुत सिंपल है, 95 क्वेश्चन है इसके। और फिर 5 5 मार्क्स के जो सवाल आते हैं, वहाँ पे 5 सवाल होते हैं, अ आ ई ई उ, मतलब ए बी सी डी ई। तो ये 5 5 एक एक मार्क के सवाल होते हैं, तो उसकी भी ये पूरी लिस्ट दी गई। तो ऐसे पूरे ये क्वेश्चन है, तो आपकी ये क्वेश्चन बैंक साइंस 1 की कंप्लीट होती है ऐसे। फिर लास्ट जो साइंस 2 की क्वेश्चन बैंक है, वो भी वैसे ही है, पूरे सब्जेक्ट से हमारे हर एक चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है उसकी लिस्ट दी गई है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो ये देखिए इट्स अ ह्यूज लिस्ट ऑफ 83 क्वेश्चंस, है ना। फिर ये ऑड वन आउट की क्वेश्चंस की लिस्ट पूरी दी गई है, 39, है ना। फक नावे लिहा, नेम द फॉलोइंग, इसकी पूरी लिस्ट दी गई है। फिर ये कोरिलेशन, कंप्लीट द कोरिलेशन के क्वेश्चंस होते हैं, है ना। फिर ये चुक्की बरोबर, ट्रू और फॉल्स, इसकी पूरी लिस्ट है ये, 46 क्वेश्चंस। मैच द फॉलोइंग, तो ऐसे करके जैसे हमारा साइंस 1 था, वैसे ही साइंस 2 की भी क्वेश्चन बैंक है। इनके डेफिनेशंस लिखने हमको, एकवाक्यात उत्तर लिखा। तो हमें बड़े बड़े आंसर्स एक्चुअली साइंस में है भी नहीं, 1 1 मार्क के आंसर्स है। गिव साइंटिफिक रीजन है जहाँ आपको प्रिपेयर करना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन है जहाँ पे आपको प्रिपेयर करना है। बाकी आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आप एक एक मार्क के आंसर्स तो इजीली याद करके लिख सकते हैं। तो ये देखिए पूरी लिस्ट ऐसे दी गई है, दिस इज अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। फिर ये है ना राइट शॉर्ट नोट की लिस्ट है, 25 क्वेश्चंस। फर्क स्पष्ट करा मतलब कि डिस्टिंग्विश बिटवीन के 6 सवाल दिए गए हैं। फिर ये भी लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है, 3 मार्क के, 5 मार्क्स के, पूरी लिस्ट है ये। तो यहाँ आपकी है, देखिए दिस इज अ टोटल लिस्ट ऑफ, यू कैन सी 106 क्वेश्चंस। तो ये देखिए 5 5 मार्क वाले सवाल है, अ आ ई ई उ, तो ये सारे करने हमें। और यहाँ पे आपकी ये लिस्ट है टोटल, 5 मार्क के क्वेश्चंस की लिस्ट है टोटल 41, एंड हियर योर क्वेश्चन बैंक फॉर साइंस 2 एंड्स। तो सारे सब्जेक्ट्स की क्वेश्चन बैंक अपलोड की गई है एक्सेप्ट हिंदी, तो मराठी मीडियम का भी हिंदी नहीं अपलोड किया गया। तो वही है, हिंदी के दो पेपर, हिंदी का क्वेश्चन बैंक भी अपलोड किया जाएगा, एंड दिस कम्प्लीट्स एंटायर सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक्स। तो जल्दी वो भी अपलोड होगा, वो भी हम यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और सॉल्व करना भी शुरू करेंगे। विश यू ऑल ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।